हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आईपीबी का जो प्रीमियम अकाउंट है वो ओपन करेंगे, उसके बाद हम उसको दर्पण ऐप के अंदर अकाउंटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको आईपीबी जो ऐप है वो ओपन कर लेनी है। माइक्रो एटीएम ऐप है ये, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है ओपन न्यू अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आपको नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नो सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर अकाउंट। मैंडेट अकाउंट आपको नहीं सिलेक्ट करना, आपको रेगुलर अकाउंट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको डालना है कस्टमर का मोबाइल नंबर, इसी मोबाइल नंबर पर वो ट्रांजेक्शन करेगा और सारे SMS OTP इसी मोबाइल नंबर पर आएंगे। तो 10 डिजिट का आपने जो मोबाइल नंबर है कस्टमर का वो डाल देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जो है एक्चुअल में वो सेविंग अकाउंट का टाइप है। सबसे पहला है रेगुलर सेविंग अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है जो आप नहीं ओपन करते। उसके बाद है सेविंग अकाउंट फॉर DOP स्टाफ, पेंशन सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके बाद है स्कॉलरशिप सेविंग बैंक अकाउंट, और उसके नीचे है नरेगा सेविंग बैंक अकाउंट, और सबसे लास्ट ऑप्शन है SBPRM सेविंग बैंक प्रीमियम अकाउंट जो हम ओपन करेंगे, जिसका एक चार्जेस होता है और आपको कमीशन के लिए मिलते हैं 49 रुपीज़ पर अकाउंट, आपको ये कमीशन मिलती है। तो हमने SBPRM पर सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर इसके नीचे एक ऑप्शन आता है पैन नंबर का। जो भी कस्टमर आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए आता है, अगर उसका पैन नंबर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर वो टाइप करके लिख देना है पूरा का पूरा। हमारे केस में पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे जहाँ पर ये चार्जेस दिखाएगा 149 रुपीज़ प्लस GST इस अकाउंट के लिए कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। तो आपको कस्टमर का कम से कम 200 रुपये का अकाउंट खोलना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अब कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, वो OTP 6 डिजिट का होगा। आपको वो OTP यहाँ टाइप करना है। मोबाइल नंबर वही है जो हमने अभी पिछली स्क्रीन पर टाइप किया था। मोबाइल नंबर का OTP डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कस्टमर का आधार नंबर। कस्टमर का आधार नंबर जो 12 डिजिट का है वो आपको यहाँ एंटर करना है। वो दो बार आपको एंटर करना होगा, एक बार वो दिखाई नहीं देगा, दूसरी बार आपको वो दिखाई देगा, तो आप मैच कर सकते हो कि आपने सही टाइप किया है या नहीं। उसके बाद इसके नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जिस पर आपको सिलेक्ट करना है आई हेयर बाय एग्री। जब तक आप ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करोगे तब तक उसका अकाउंट नहीं ओपन होगा। आपको यहाँ सिलेक्ट करके आई हेयर बाय एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करनी है। तो आप अपनी बायोमेट्रिक मशीन जो है वो अटैच कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आया है, आपको ये फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसी स्क्रीन पर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करनी है, तो आप फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद प्लीज टैप हेयर जो ये बटन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो मंथरा डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है, और उस कस्टमर को आप बोलते हो कि आप अब वो अंगूठा लगाएं। तो जैसे ही वो अपना अंगूठा इस पर लगा देगा उसके बाद ये मशीन जो है प्रोसेस करने लग जाएगी, और उसकी ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल होगी तो आपके पास ये नई स्क्रीन आ जाएगी। अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो आपको दोबारा उसके फिंगरप्रिंट लगवाने हैं। अब हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर आ गए हैं जिसमें आपको उसकी डिटेल डालनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन इन्फॉर्मेशन, नॉमिनी डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी एंटर करेंगे जिसमें कुछ डिटेल ऑलरेडी भरी होगी और कुछ डिटेल आपको डालनी है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे जिसमें भी स्टार लगा होगा वो ज़रूरी होगी, वो भरना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, और इसके अलावा आप वो ऑप्शन छोड़ सकते हैं जिस पर स्टार ना लगा हो। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं मदर मेडन नेम का। तो आपको उनका जो कस्टमर है उसकी माता का नाम यहाँ पर भरना है। ये ज़रूरी होता है नेट बैंकिंग के लिए, इसके बिना कोई भी नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं होती। तो आपको मदर नेम डालना है, वो दो बार डलेगा, एक बार मदर मेडन नेम में और दूसरा मदर नेम में। जो फादर नेम है वो ऑटोमेटिक उसके आधार से ही फैच हो जाएगा, तो वो आपको नहीं डालना। उसके नीचे एक ऑप्शन है ईमेल आईडी का, तो आपको उसकी कस्टमर की ईमेल आईडी भी डालनी है ताकि उसके पास बाकी इन्फॉर्मेशन भी जाती रहे जो कि IPB के थ्रू होती है। तो आपको उसकी कस्टमर की ईमेल आईडी भी डालनी है। उसके नीचे वो दिखाएगा नाम, जो कि KYC या फिर उसके आधार से जो नाम ऑलरेडी फैच हुआ है वही नाम यहाँ पर शो होगा। पैन नंबर पर अगर जो नाम होगा
तो वो यहाँ शो करेगा। हमने पैन नंबर नहीं डाला था इसलिए यहाँ पर कोई भी नाम नहीं शो कर रहा। तो जैसे ही आप ये सारा इन्फॉर्मेशन डाल लोगे उसके बाद आपको कर देना है सेव। सेव करने के बाद हमारी पहली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब है दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है पैन नंबर की। यहाँ पर फॉर्म 60 ऑलरेडी सिलेक्ट है बिकॉज हमने पैन नंबर नहीं डाला था। यहाँ पर तीन ऑप्शन और दिए हुए हैं। अगर किसी कस्टमर ने पैन नंबर अप्लाई कर रखा है तो उसका पैन एक्नॉलेजमेंट नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। इस तरह ये मैंडेटरी नहीं है। और इसके नीचे एक ऑप्शन है एनुअल एग्रीकल्चर इनकम। जो भी उसकी एनुअल एग्रीकल्चर इनकम होगी वो यहाँ डाल दीजिए आप। और इसके नीचे एक ऑप्शन है एनुअल नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर उसके पास कोई खेती बाड़ी के अलावा इनकम है तो आप वो इस कॉलम में डाल सकते हो। आप यहाँ जीरो भी डाल सकते हो। आप यहाँ जीरो के अलावा कोई और वैल्यू भी डाल सकते हो। लेकिन जो भी वैल्यू आप इन दोनों कॉलम में डालोगे उसका टोटल आपको आगे एक नए कॉलम में डालना पड़ेगा। इनकम के नीचे ही एक अलग से रो बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है रिमार्क्स। तो यहाँ पर आप रिमार्क्स का कॉलम है उसमें भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके नीचे परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर आधार से ऑटोमेटिक उसका एड्रेस फैच हो जाएगा। इसके नीचे है सेम एज परमानेंट एड्रेस जिस पर टिक हो रखा है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है ताकि आपको दोबारा उसका एड्रेस टाइप ना करना पड़े। आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कर दीजिए सेव। तो हमारे दो कॉलम जो है वो ग्रीन हो चुके हैं। अब तीसरा है नॉमिनेशन डिटेल। अगर कस्टमर नॉमिनेशन करना चाहता है तो आप येस पर क्लिक कर दीजिए। अगर कस्टमर नॉमिनेशन नहीं करना चाहता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नो पर क्लिक रहता है, ठीक है। तो आप येस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद वो नाम नॉमिनेशन का, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस, अगर आप एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट कर देते हो तो आधार वाला ही एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब हमारे इस अकाउंट में हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो इसके लिए हम नो पर क्लिक कर देते हैं, जिससे हम इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देते हैं। ये ज़रूरी है अगर आपने नॉमिनेशन नहीं करना तब भी। इस तरह करके नॉमिनेशन वाली डिटेल भी डाल दी गई है। उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मैरिटल स्टेटस। जो भी उसका मैरिटल स्टेटस होगा कस्टमर का वो सिलेक्ट कर देना है। उसके नीचे है ऑक्यूपेशन टाइप। जैसे इस अकाउंट में हम स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन अगर वो एम्प्लॉयड है तो आपको उसी हिसाब से ये सिलेक्ट करना है। लास्ट टू कॉलम में हमने एनुअल इनकम डाली थी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, उसका टोटल आपको यहाँ डालना है। हमने दोनों ही केसेस में जीरो डाला था तो उसका टोटल यहाँ भी जीरो हो गया। उसके बाद आपको उसका एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है जो कि मैट्रिकुलेशन, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है ऐसा। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप कस्टमर से पूछ सकते हो। और इसके बाद जो ऑप्शन आया है वो सबसे लास्ट ऑप्शन है, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अगर वो बंदा आपको लगता है कि नेता है तो आपको यहाँ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन को येस करना है, नहीं तो उसको नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको कर देना है ये इन्फॉर्मेशन सेव। इसके बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, वो बहुत ज़रूरी है और इसको बड़े ही ध्यान से आपको फिल करना है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट स्टेटमेंट का, जिसको आपको येस करना है, जिससे उसकी एक जो मंथली अकाउंट स्टेटमेंट है या एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू उसके पास चली जाए। इसके नीचे ऑप्शन आता है स्कीम बेनिफिशियरी आईडी। अगर कोई बेनिफिशियरी आईडी है तो वो यहाँ डाल देनी है। उसके नीचे एक ऑप्शन है इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट, जितने अमाउंट से वो कस्टमर अकाउंट खुलवाना चाहता है वो अमाउंट। और इसके लास्ट ऑप्शन है डीबीटी मैपिंग। डीबीटी मैपिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम ये ऑप्शन देख लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट। इसमें कम से कम आपको 200 रुपये से ये प्रीमियम अकाउंट ओपन करना है। इसके बाद आ गया डीबीटी अकाउंट ऑप्शन, जिसमें डीबीटी मैपिंग के बारे में डिटेल है। तो आपको ये बड़े ध्यान से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीपी अकाउंट एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग आईआईएन विद एनपीसीआई। इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर अपनी डीबीटी इस अकाउंट में डलवाना चाहता है और उसकी पहले कोई भी डीबीटी किसी भी अकाउंट में नहीं आती। उसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन है वो है चेंज डीबीटी मैपिंग टू आईपीपी अकाउंट एंड वेरीफाई। इसका मतलब ये है कि उसकी डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत जो पैसे हैं वो किसी और अकाउंट में आते थे और अब वो चाहता है कि इसको आईपीबी में लेके आए। उसके नीचे एक ऑप्शन है नो आई डोंट वांट टू चेंज डीबीटी मैपिंग। इसका मतलब यह है कि उसके इस अकाउंट में आगे वाली तो कोई डीबीटी आ जाएगी लेकिन पुरानी डीबीटी जो है वो चेंज होके इस अकाउंट में नहीं आएगी। और सबसे लास्ट ऑप्शन है कि इस अकाउंट में कोई भी डीबीटी, ना तो फ्यूचर ना पास्ट, कोई भी डीबीटी नहीं आएगी। तो हमने इस कस्टमर को सिलेक्ट किया है नो आई डोंट वांट टू चेंज डीबीटी मैपिंग। तो आप जो कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको उसी हिसाब से इस पर सिलेक्ट करना है।
अगर आपको कस्टमर को QR कोड जो है वो स्कैन करके देना है तो आपको इस वेलकम किट पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन बाद में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो सबसे नीचे है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, आपको इसको भी सिलेक्ट करके सेव कर देना है। इस तरह करके हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने करना है कंटिन्यू। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार आपको दोबारा दिखाएगा। तो यहाँ देखिए हमने डोरस्टेप बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IVR, SMS बैंकिंग और मिस कॉल बैंकिंग सब पर क्लिक कर रखा है, तो आपको ये क्लिक रहने देना है। उसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है हमने हाइड कर दी है, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आपको दोबारा दिखाएगा। उसके बाद आप, अगर आपको लगे कि सब कुछ सही है तो आप कंफर्म कर सकते हो। इसके सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इनिशियल कैश डिपॉजिट अमाउंट। आपको वो एक बार दोबारा टैली कर लेना है कि जितना अमाउंट को कस्टमर जमा कराना चाहता है आपने उतना ही अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बैक करके कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देखिए इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट 200 है और यहाँ पर DBT का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पर दोबारा कस्टमर का अंगूठा लगवाना है, यहाँ हम उसको ई साइन बोलते हैं। तो आपको ये क्लिक करना है कंसेंट टू यूज़ ई साइन। उसके बाद जो कस्टमर है दोबारा वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, मंथरा डिवाइस या ACPL डिवाइस जो भी आपके पास है। तो जैसे ही उस पर वो अपना अंगूठा लगाएगा और ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन होते ही आपके पास मैसेज आएगा जिसमें डायरेक्ट उसका कस्टमर का अकाउंट और उसकी सिर्फ ID लिखी होगी, वो आपने एक QR कोड के ऊपर नोट कर लेनी है। ये देखिए ये कस्टमर की सिर्फ ID है जो पहले ऊपर दी हुई है और इसके नीचे जो है वो इसका अकाउंट नंबर दिया हुआ है। आपको ये कस्टमर सिर्फ ID और अकाउंट नंबर जो है वो QR कोड के ऊपर नोट कर लेना है, ताकि अगली बार जब कस्टमर आए तो उसके पास डिटेल हो, अकाउंट नंबर हो, सिर्फ ID हो, और QR कोड से स्कैन करके भी हम बाकी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह हमने ये अकाउंट ओपन कर दिया है। अब हम देखेंगे IPP की जो माइक्रो ATM ऐप है उसके अंदर आप डेली ट्रांजेक्शन टोटल कहाँ चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। तो ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आप देख रहे हो, आपको ये सिलेक्ट करना है। उस दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो सब आपको यहाँ शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है टाइप। तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन टाइप में जो है ऑल सिलेक्ट कर दोगे। तो जैसे ही आप ऑल सिलेक्ट करोगे इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सबका टोटल और सबकी पूरी डिटेल ये आपको शो कर देगा। तो यहाँ आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे आज ही हमने ट्रांजेक्शन करी है तो हमने टू डेट और फ्रॉम डेट सेम ही ली है, आप कैलेंडर से वो चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे आप व्यू स्टेटमेंट करते हो आपको ये शो कर देगा हमने आज एक ही अकाउंट ओपन किया है तो हमारी टोटल जो डिपॉजिट है वो 200 रुपये है, कोई भी विड्रॉल नहीं है। अब इसी को हम दर्पण ऐप के अंदर कैसे डालेंगे वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपने ये क्या करना है, इसको ऐप को मिनिमाइज कर देना है। अब हम खोलेंगे दर्पण ऐप। देखिए दर्पण ऐप का आइकन, हमने दर्पण ऐप ओपन कर ली है। इसकी होम स्क्रीन पर जाने से पहले आप एक बार बैलेंस ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमारा बैलेंस जो दिखा रहा है वो ये है। इसके बाद हमने IPB का ऑप्शन सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमने आज की डेट सिलेक्ट करनी है, बिकॉज़ हमने काम जिस डेट में कराया उसी डेट में हम IPB की एंट्रियाँ करेंगे। तो यहाँ पर आपको डालना है डिपॉजिट अमाउंट, जो हमारे केस में है 200 रुपये, हमने वो यहाँ डाल दिया। उसके बाद विड्रॉल अमाउंट है 0, बिकॉज़ हमने कोई भी विड्रॉल नहीं की है। तो उसके बाद हमने कर दिया है सबमिट। इस तरह करके हमने आज की ट्रांजेक्शन आइडिया जो है वो टोटल की टोटल अमाउंट डाल दी है। तो इस तरह करके हमने IPB में जितना भी काम किया उसको दर्पण ऐप में अंदर एंट्री कर दिया है। उसके बाद हमने वॉलेट दोबारा चेक किया तो हमने देखा कि वो 200 रुपये ज़्यादा हो गया है। तो आप अगर चेक करना चाहें तो कैश डिटेल में जाकर आप वो एंट्रियां भी देख सकते हो। ये देखिए IPB डिपॉजिट दिखाया हुआ है 200 रुपये। तो इस तरह करके हमने IPB का अकाउंट ओपन किया और उसके बाद उसको दर्पण ऐप के अंदर भी अकाउंटिंग कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।